दोस्तों अभी देख सकते हैं सुबह का मौसम कितना ज्यादा बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं, मतलब बहुत तेज बारिश हो सकती है। पूरी रात भर बारिश हुई, उसके बाद भी अभी भी बारिश थमी नहीं है, अभी भी बारिश हो ही रही है। तो इधर आ गए हम झोपड़ी में। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों बिछा रहा हूँ अपनी झोपड़ी में। झोपड़ी नहीं भाई, हमारा घर ही है ये, ठीक है। तो इसको इसलिए बिछा रहा हूँ कि आज कोई आने वाला है और मुझे अभी भी पता चला है। और अभी कितना टाइम हो गया भाई, सुबह से भाई 1 बज चुके हैं और अभी बारिश हो ही रही है, पूरे दिन बारिश हो रही है। चलिए दोस्तों, इसको जमा कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ और दिखा देंगे आज कौन आने वाला है भाई। मैं घर जा रहा हूँ। दादा आज कोई आने वाला है? कौन आने वाला है? दोस्त है कोई आपके? नहीं नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है? देखिए आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे, ठीक है दादा। देखिए अभी आने ही वाले होंगे। तो दोस्तों अभी 2 बज चुके हैं और स्टिल बारिश हो ही रही है, रेत बह ही रहा है और भाई क्या बताऊं भाई, यार देख सकते हो भाई मौसम तो बड़ा तगड़ा हुआ है भाई। बच्चे गाँव के मछली भी पकड़ने गए हुए हैं। मम्मी सुनो तो, बारिश तेज हो गई, कैसे आएंगे? हाँ दादा, तो ये देखिए दोस्तों, चलो 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 चलो, हाँ चलो भाई। तो फैमिली आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, इसका कोई हिसाब ही नहीं यार। ये देखो भाई, आज तो लग रहा है भाई भर जाएगा भाई पूरा खेत हमारा, 8-9 दिन से सूख रहा था और आज भर जाएगा। दोस्तों पापा आ गए हैं, पापा भींग गए थे, अभी भी शर्ट चेंज करी है। अभी हम एक माह गए थे, तो ये हमारे बहुत ही चाहने वाले लोग हैं, ये नेपाल रहते हैं। अभी 15 दिन पहले इनसे फोन पे बात हुआ था, लेकिन एक बैग आज बाजार गया था मैं, कुछ काम था आधार आधार कार्ड का, तो ये रास्ते फोन कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक माह स्टेशन के पीछे हूँ। अच्छा, वहाँ पर तो मैं भी हूँ। अच्छा, तो हम लोग उधर से आ रहे थे तो बारिश धीरे धीरे हो रहा था। अच्छा, तो हम लोग सोचे कि और भी छूट जाएगा ना, चलते हैं। तो बीच में वो पप्पू नहीं अपने गाँव वाले, उनके पास बैठ गए। अच्छा, वहाँ बैठे तो बारिश धीरे धीरे था, हम लोग घर निकल लेते हैं, जब थोड़ा आगे बढ़े तो तेज हो गई, बारिश तेज हो गया। तो हम लोग दोनों आदमी भीज गए, अंकल जी भीज गए, हम भी भीज गए। तो ये देखिए दोस्तों, ललित भाई थोड़ा लेट से आए पर आ गए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा चाय पानी करते हैं, उसके बाद अंकल जी से मिलाते हैं ना। अंकल जी दोस्तों, ये देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर अभी काम ही कर रही हैं। अब वहाँ क्यों फेंक रहे हो? वहाँ नहीं जा रहा मम्मी, चला जाता है। अरे नहीं जा रहा है मम्मी, बस सरिया डाल के देख लिया हूँ। ललित भाई क्या बना रहे हो आज? इतना तगड़ा मौसम है तो मैगी तो खा ही लेंगे। ये मैगी तो बनती है। क्या ललित, क्या ललित? एक यहाँ पर एक गरीब वाला म्यूजिक लगा। मैं गरीब हूँ? अरे यार भाई, कम से कम यार घर बन जाने से तब बारिश होती ना यार। भगवान चाहते हैं तुम लोगों का गजन। अरे आपको गजन मम्मी, हमारे रूम में नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं। देख अभी तक बारिश रुकी नहीं यार, क्या बताऊं भाई मैं, बारिश ही हो रही है, बारिश ही हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अंजलि शर्ट प्रेस कर रही है, जो अंकल आए थे उनकी शर्ट पूरी भीग गई थी, अंजलि अभी प्रेस कर रही है ताकि उनकी शर्ट जल्दी सूख जाए। चलते हैं मम्मी, देखते हैं क्या कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मम्मी खाना बना रही है और लक्की भैया कि भैया भुट्टे भून रहे हैं। ये कौन सा तरीका भाई? ये देख भाई, पक भी रहे हैं। हाँ, ये देख रहा, ये देख, अब तक खाना बन रहा था, पका भी लेते हैं। सुन रहा, ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चावल और दाल डल रहे हैं, ये भाई साहब फ्राई हो रखी है दाल, और एक नंबर, आज तो स्वाद आ जाएंगे ना अंजलि भाई। जब बारिश हो रही हो और पकौड़े ना बने तो मम्मी मजा नहीं आता भाई। तो चलिए दोस्तों पकौड़े भी निकाल लेते हैं गर्मा गर्म।
भाई ललित भाई देख रहे हो यार, हॉस्पिटैलिटी भाई ललित भाई की है। दादा भगवान यार, आज तो पानी वहां वहां से टपका जहां से टपकना नहीं चाहिए था। देखो भाई, यहाँ हम अपना भाई खाना बनाते हैं और यहीं पर ही टपक रहा है, देख रहे हो भाई, है ना अंजलि? तो भाई मम्मी कितना, देखो भाई मम्मी कितना भींग गई है, ये देख रहे हो पूरा भींग गई है मम्मी। आज मतलब बहुत तगड़ी बारिश होगी ना मम्मी, ये देख रहे हो पूरा भींग गई है मम्मी। चलो कोई नहीं भाई, इसका भी समाधान हो चुका है अब तो। फाइनली दोस्तों बारिश रुक चुकी है, चलो भाई बहुत अच्छा हुआ। तो आप मम्मी मिलने के लिए आ रही है अंकल से और मम्मी बात करेंगी। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा लगा रहो आए वही नहीं। आधा परिवार यहाँ रहेगा, आधा परिवार दिल्ली रहेगा। ना बेचारा। तो वही है मेरा कल जाए अभी। ना। हमारा। तो दोस्तों हमारे घर आ जाए थे मेहमान और लाला जी का फ्रेंड, जो कि बहुत ही दिनों से, कितने दिनों से लाला जी को आप देख रहे हैं? 6 महीना से ऊपर हो गए। 6 महीना से ऊपर से देख रहे हैं लाला जी को। और ये नेपाल से आए हैं भैया, बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुआ मिलके। लाला जी तो एक माह गए होते शायद, तब फोन शायद आया तो लाला जी लेके आए घर, बहुत अच्छा लगा आप आए तो। और खाना कैसा लगा आपको? ना ठीक हुआ, ठीक हुआ। दाले बात तरकारी ना हमने खाए हुआ। अरे हमने के कितनों भगवान देले बटन तो घर हुए दाले भात हो, सिंपल खाना बेस्ट। हां सिंपल है खाना, सिंपल खाना सबसे। वो तो नेपाल में आप कहाँ रहते हैं? काठमांडू में रहे। काठमांडू आ यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना सेरलट कहे वाला जगह बा, वहां रहे। तो बहुत ही खुशी की बात है नेपाल से मिलने के लिए लाला जी से आए हैं और साथ में मैं भी मिल ली, तो बहुत खुशी हुई मिलके। और आज मतलब ऐसा दिन आया ना, आज खूब दिन 24 घंटा बारिश हुआ है, आज 24 घंटा बारिश से बारिश हुआ है। आप दूसरे दिन आए होते ना तो हम लोग उधर खाना ना बनाते हैं तो और मजा आता आपको देख के। आज हम लोगों का तो काम ही कितना दिन सब बंद है, काम हो रहा है घर में। हाँ, हाँ, हम तो देखा तो नहीं, हमें मशरफ से आई रहनिया मिले हमनी के देख भी ले नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जब मर जाई रहे घर बस तनी सा दिक्कत हुई, लेकिन कौन से घबराए ला बात है। हमने के तो क्वेश्चन क्वेश्चन दिक्कत झेल, अब नु दिक्कत नहीं के तो क्वेश्चन क्वेश्चन हमने की दिक्कत झेलने वाले। हां हां, तो कुछ ना कुछ देखत रहे नहीं। सही तो बा। अरे जब आपके 6 महीना पहले देख रही है सब के, तो दिल्ली का दिल्ली आप लोग लोड कर रहे हमने के पहले वो देते देखे नहीं जा। हाँ। वो बड़ा स्क्रीन में देखे नहीं जा हमने के, उमे बड़का टीवी लोड खावा बड़का टीवी में वायरलेस वाला टीवी में उमे बहुत अच्छा लगा था। देखे में अच्छा लगा था। हाँ। बड़ा सा टीवी में देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। देखे नहीं जा वो है, अमेरिका में भी देखे नहीं जामने के वो है। बिहार में तो चलता ही है, नेपाल में भी चलता है और अमेरिका। अपन भाषा और ये आप, अरे हमने के खास तो देश ही है ना। ये सही कहा था। 50 साल पहले, 50 साल पहले हम एक माह आयल बने बलिया से, क्योंकि बारात आई रहे बच्चा रहनी। अब ये आशीर्वाद दिलो कि सब कुछ ठीक हो जाए हमने के। भगवान बड़ा हमने के आशीर्वाद देने से कुछ ना हो कि अपन कर्म करावेला। बेटा बेटी आप लोग के सब सही बा, ना समझनी मेन ई है बा, ना समझनी बेटा बेटी के सही रखे के पड़ेला ना। आपके बेटा बेटी सब हम टीवी में ना देखे नहीं, सब सही बा। हमार देखे नहीं ना बेटा बेटा, हमार वीडियो देखे नहीं ना। आपके सबके देखे नहीं वीडियो में? अच्छा, वीडियो तो आपके सबके आवेला, तो सबके हम देखे। देखो कौन आया, गोलू नमस्ते करो। नमस्ते बोले। ये बहुत बड़े फैन है आपके दादाजी। अच्छा, आपका भी चैनल देखते हैं? थैंक यू। इनको क्या हो गया तुम का? गोलू गोल्डी की दुनिया देखते हैं? हां, गोलू गोल्डी की दुनिया। हां हां, ये खाली कुत्तू वाली हम देख लाई चल रहा है। अरे ये तो आता रहता है। हां, ये वो दादाजी को दादा पहचानते होंगे। दादाजी को? हाँ, दादाजी तो एकदम मस्त। दादाजी को, दादी जी को आप लोग करते हैं सब
टीवी में मस्त बाबूजी के बोली लागे लोग ना ना ठीक बात तेरी दहिया से चले लेकिन बोली चाली ठीक बा अभी भी उसन का लेकिन दहिया से पैर से बाहर अब बुढ़ापा हो गया पर बानो ना तो दवाई तो कितना दिन से होता है ना ना दवाई से ये सब उस दवाई से ठीक ना होता लगता चली ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल आवे हो कि तो वहाँ के पहले फोन नंबर बा हमरे यहाँ के ठहरम रहम वहाँ में 10 दिन 15 दिन कहे की नेपाल रोवा से आई लेकिन आवे हो कि तो रोवा से आई बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देखे ठीक से बुरी भइल बा तो दोस्तों जो आए थे लाला जी से मिलने के लिए मेहमान वो चले गए और वो चले जाएंगे नेपाल तो बहुत ही अच्छा लगा पापा तो खूब बात किए तो लाला जी गए हैं छोड़ने छोड़ के आ जाएंगे फिर वो नेपाल चले जाएंगे तो आप लोग देखे ही मेहमान आए थे हमारे घर बहुत ही अच्छा लगा हमें भी मिलके बातें बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं काठमांडू में रहते हैं और नेपाल उनका घर है नेपाल में काठमांडू राजधानी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों भाई भर भर के लाइक चाहिए भाई और आप लोग आना चाहते हैं क्या आप लोग भी आना चाहते हैं क्या तो कमेंट में लिख के बताइएगा तो चलो मम्मी चलते हैं बाय बाय